अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं एक दफ़ा फिर से आ गया हूँ वापस, काफ़ी सारे महीनों के बाद। मैंने लास्ट वीडियो अपनी रमज़ान में की थी और उसके बाद अब वीडियो कर रहा हूँ। काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ था, इसके वजह से कोई वीडियो नहीं बना सका, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं जो एटलीस्ट वीक में एक वीडियो तो ज़रूर बनाऊँ, क्योंकि मेरे पास कुछ कंटेंट भी है इंटरेस्टिंग किस्म का जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ। खैर, आज की वीडियो जो है वो है इस बैंड के बारे में। उप्स, उल्टा बढ़ाती है। इस बैंड के बारे में जो कि है शाओमी का MI स्मार्ट बैंड 6 के नाम से, फिटनेस बैंड के नाम से काफ़ी पॉपुलर है ये मार्केट के अंदर। और वो लोग जो फिटनेस लाइफस्टाइल जो है वो उसकी तरफ जाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए एक अच्छी प्रोडक्ट है। अच्छा, एक चीज़ बता दूं, क्योंकि मेरा पहला रिव्यू है किसी भी टेक्नोलॉजी की प्रोडक्ट को लेकर, तो मैं इसके अंदर कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई वर्ड नहीं बोलूँगा और ना ही मैं कोई इसका हाई फाई किस्म का कोई रिव्यू करूँगा। मैं इसका एज अ जनरल यूज़र जो है रिव्यू करूँगा, क्योंकि मुझे इसको यूज़ करते हुए तकरीबन 3 दिन हो गए और 3 दिन के अंदर मैंने इसके कौन कौन से फीचर्स एक्सप्लोर किए उसके बारे में बात करूँगा। और अगर आप इसके स्पेसिफिकेशन वगैरह जानना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर तरीका ये है कि आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं और वहाँ पर जाके इसके जो स्पेसिफिकेशन है उसके बारे में पढ़ लें। मैं आपको इसके सारे फीचर्स दिखाऊंगा जो कि अब तक मैं यूज़ कर चुका हूँ और जो मैं आगे यूज़ करने वाला हूँ, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपको ये प्रोडक्ट परचेज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और स्पेशली अगर आप अपना फिटनेस जर्नी शुरू करने वाले हैं तो उसके लिए आपका ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रिव्यू हो सकता है। तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मार्केट के अंदर इसकी जो प्राइस है वो 7,000 से शुरू होती है, और मुख्तलिफ जो लोग हैं वो इसको 6,500 में भी सेल कर रहे हैं। तो अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट से मंगवाएंगे तो शायद प्राइस थोड़ी सी कम हो, 200-300 रुपये, लेकिन उसको आने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा, एटलीस्ट अपनी बात करूँ तो मैंने इसको मार्केट से परचेज़ किया है। मुझे इसकी प्राइस 7,000 बताई गई थी, 7,000, लेकिन जब मैंने इनको कहा कि इनकी वेबसाइट के ऊपर तो कम इसकी प्राइस लगी हुई है, तो उन्होंने मुझे ये 6,500 का उसी वक्त दे दिया। तो थोड़ी सी अगर आपने बार्गेनिंग करनी है तो कर लें। ऑफिशियल जो इनकी मुल्तान के अंदर शॉप है, मैं वहाँ से नहीं लेके आया, क्योंकि मुझे पता भी नहीं था कि वो कहाँ पे है प्रॉपरली। हालांकि मैं इंटरनेट से उसकी लोकेशन देख सकता था, खैर वो मेरी सुस्ती है। एनीवेज, इसकी जो प्राइस है जिसके अंदर मुझे मिला है वो मिला है 6,500 रुपये का, और ये शाओमी का सबसे लेटेस्ट जो है फिटनेस बैंड है जो कि अभी रिसेंटली जो है लॉन्च हुआ है। वैसे तो ये लॉन्च हुए शायद इसको 6 मंथ हो गए, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये अगस्त में आया है। तो मैं आपको भी ये खोल के दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। प्रोडक्ट को ओपन करने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इसका कवर काफ़ी स्टाइलिश सा है, ठीक है। अगर आप देखें तो कलर चेंज हो रहे हैं, लेकिन अगर हम इसकी स्पेसिफिकेशन पढ़ते हैं तो वो रीडेबल नहीं है, वो सिल्वर कलर में लिखी हुई है। काफ़ी डिफ़िकल्ट हो सकता है, तो अगर शाओमी की कंपनी से कोई इस रिव्यू को देख रहा है तो बरए मेहरबानी इस तरह की गलती जो है अपने नेक्स्ट किसी प्रोडक्ट के साथ ना करें, क्योंकि वो रीडेबल बहुत डिफ़िकल्ट होता है अगर आप उसको चमकता हुआ बनाते हैं तो। यूज़र फ्रेंडली नहीं है ये। हम इसका वो खोल रहे हैं डब्बा, जिसको कहते हैं बॉक्स ओपनिंग। इसमें काफ़ी वीडियोस मैंने देखी है, और अगर हम इसको ओपन करते हैं तो इसमें से निकलता है ये, ठीक है। यहाँ पर है क्या चीज़ है, यहाँ पर है इसका चार्जर, ठीक है, मैग्नेट चार्जर है इसका। अभी मैं आपको बताऊंगा अभी ये कैसे यूज़ होता है। दूसरा जो है वो खाली निकला है शॉप पर, क्योंकि इसके अंदर जो फिटनेस बैंड था वो मैंने यहाँ पहना हुआ है, ठीक है। आई होप सो नज़र आ रहा होगा ठीक से, नहीं नज़र आ रहा है तो मैं इसको प्रॉपर जो है अभी आपके साथ रिव्यू शेयर करूँगा तो उसमें दिखाऊँगा, ठीक है। और तीसरी चीज़ इस बॉक्स के अंदर जो आती है वो आते हैं इसका बुकलेट, जिसके अंदर बताया हुआ इसके सारे फीचर्स वगैरह और आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। काफ़ी है, मोटी किस्म की है, काफ़ी सारे पेजेस बने हुए हैं। कितने पेजेस हैं? अच्छा, डिफरेंट लैंग्वेजेस में है इसलिए, ठीक है। ये चीज़ें आती हैं। सबसे पहले हम लोग इसको शुरू करते हैं इसके रिव्यू से। मैं आपको ज़रा ये करीब से दिखाता हूँ कि किस तरह से नज़र आता है, और इसके लिए मुझे कैमरा जो है वो थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो मिलते हैं 1 सेकंड के ब्रेक के बाद, जिसके अंदर मैं आपको प्रॉपरली जो है इसके फीचर्स वगैरह दिखाने वाला हूँ। अच्छा जी, मैं अब आपको दिखाता हूँ इसके सारे फीचर्स कि ये कैसे मज़े का बैंड है।
सबसे पहले तो आप इसके ऊपर टच करेंगे तो ये एक्टिव हो जाता है। इसका जो मेन हेड है या इसको क्या कह सकते हैं, वॉलपेपर या वेलकम जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। टाइम लिखा हुआ है, वेदर के बारे में इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे बैटरी के बारे में इंफॉर्मेशन है, और अगर हम लोग यहाँ पे जाएँ तो ये नंबर ऑफ़ स्टेप्स आपने कितने लिए हुए हैं डेली के उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। तो ये काफ़ी अच्छा है। ये बार बार इसलिए बंद हो रहा है क्योंकि मैंने इसकी सेटिंग्स ऐसे की हुई है ताकि जो मेरा बैंड है वो काफ़ी दिन तक चले। इसका वैसे बैटरी टाइम जो इसकी वेबसाइट पे लिखा है वो 12 से 15 दिन लिखा हुआ है, तो अभी तक तो 3 दिन से मैं इसको लगातार मैंने इसको पहना हुआ है, तो ये 100% से 78% पर आया है, यानी कि आपको यहाँ पे नज़र भी आ रहा होगा थोड़ा सा। ठीक है, तो इसके फीचर्स के बारे में बात करते हैं। इसके अंदर काफ़ी सारे न्यू फीचर्स इंट्रोड्यूस करवाए हैं अगर आप इसको कंपेयर करें इनके पुराने बैंड से, जैसे जो है कि MI बैंड 5 वगैरह से कंपेयर करें तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फीचर्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहला फीचर हमारे पास स्टेट्स के बारे में, ये आपको बताता है कि आप डेली के जो आपके स्टेप्स ले रहे हैं, कितने स्टेप्स लिए हैं, कितने माइल्स आप चले हैं, कितनी कैलोरीज आपके बर्न हुई हैं, पिछले काफ़ी दिनों का जो डाटा है वो भी इसके ऊपर यहाँ पे स्टोर होता रहता है। दूसरा हमारे पास PI की ऑप्शन है। आई टोटली हैव नो आइडिया कि ये फीचर क्या है और उसको कैसे यूज़ करते हैं, और मैंने इसको अभी गूगल भी नहीं किया प्रॉपरली, तो हम इस चीज़ को स्किप कर देंगे। और हमारे पास तीसरा जो ऑप्शन है वो हार्ट रेट के बारे में, कि आपके दिल की धड़कन कैसी है। ठीक है, वैसे तो ये रैंडमली कुछ कुछ थोड़ी थोड़ी देर बाद आपके हार्ट बीट लेता रहता है। आप सेटिंग्स में जाके ये भी सेट कर सकते हैं कि आपकी हार्ट बीट का डाटा जो है वो कितनी देर बाद रिकॉर्ड होना चाहिए, मैक्सिमम कहाँ तक मेरी हार्ट बीट गई और मिनिमम कहाँ तक गई, उसके बारे में भी यहाँ पे अपडेट चलती रहती हैं, और सारा कुछ इसके बाद जो है इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो SP02 की है या O2 की है। ये क्या चीज़ बताती है, ये सबसे इंटरेस्टिंग फीचर है और मेरे ख्याल से ये कोरोना की वजह से इन्होंने इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाया है, क्योंकि ये जो है आपको ये बताती है कि आपके ब्लड के अंदर शुगर की क्या परसेंटेज जा रही है। ठीक है, और ये किस तरह से आती है, इसके पीछे सेंसर लगा हुआ है, तो जब आप इसको ऑन करते हैं तो वो सेंसर जो है उस वक्त ऑन हो जाता है, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग जो है इसका फीचर है। और जो मुझे अभी तक सबसे मज़े का फीचर लगा है वो इसका स्लीप का लगा है। ये सिर्फ ये ही नहीं बताती है कि आप कितने घंटे सोए हैं, बल्कि वो ये भी बताती है कि आपको सुकून की नींद कितने घंटे आई है और आपको बेचैनी की नींद कितने घंटे आई है। इसके ऊपर शायद वो इतनी इन्फॉर्मेशन ना दे, लेकिन जब आप इसको इसकी ऑफिशियल जो एप्लीकेशन है, जो कि मोबाइल की एप्लीकेशन है MI फिटनेस के नाम से, उसके ऊपर काफ़ी डिटेल में बताती है कि आप कितने घंटे सोए, उसके अंदर आपकी जो डीप स्लीप थी वो कितने घंटे की थी, तो मुझे तो सबसे इंटरेस्टिंग फीचर जो है उसका यही वाला लगा है। उसके बाद नेक्स्ट फीचर हमारे पास नोटिफिकेशंस वगैरह का है। वर्कआउट के अंदर हमारे पास बहुत ज़्यादा डिटेल अवेलेबल है, आपने जो भी वर्कआउट कर रहे हैं उसको यहाँ पे एक्टिव कर लें तो वो उसकी कैलोरीज और उसका टाइम वगैरह जो है वो आपको साथ साथ बताते जाएगी। मोर में जाएंगे तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। ये मेरे ख्याल से शाओमी का पहला फिटनेस बैंड है जिसके अंदर इतने सारे वर्कआउट की ऑप्शंस अवेलेबल हैं, इवन कुछ के स्पोर्ट्स के भी हैं जैसे कि बॉक्सिंग, बॉलिंग और क्रिकेट वगैरह आ रहा है, उसकी भी जो आपके पास डाटा है वो सारा का सारा इसके अंदर आ जाएगा, मतलब आप कितनी कैलोरीज बर्न कर रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपके वर्कआउट की हिस्ट्री आ जाएगी, क्योंकि मैंने कोई वर्कआउट नहीं किया है तो देर इज़ नो हिस्ट्री रिगार्डिंग टू दिस। उसके बाद आपका स्ट्रेस लेवल आ जाएगा अगेन से। ये जो स्ट्रेस लेवल है ये आपके दिल की धड़कन पे, आपके सांस लेने के जो मूवमेंट है उसके बेस के ऊपर ये काउंट करता है। बीती के अंदर ये आपको बता देगा कि आपके जो ब्रीथिंग है वो आप सांस ले रहे हैं वो किस तरह से ले रहे हैं कि उस, और अगेन से ये तमाम चीज़ें स्ट्रेस वगैरह और ब्रीथिंग वगैरह एक दूसरे से लिंक है। इवेंट्स के अंदर आपने कोई इवेंट्स वगैरह नोटिफिकेशन सेट करने हैं वो कर सकते हैं, इसके लिए आप मोबाइल एप्लीकेशन यूज़ करेंगे। अलार्म के अलावा इसके लिए आप अलार्म वगैरह सेट करने हैं तो वो कर लें आप। और वेदर की काफ़ी डिटेल इन्फॉर्मेशन है, मुझे नहीं आइडिया था कि इतनी ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है वो एक फिटनेस बैंड जो है वो दे सकता है। और उसके अलावा म्यूज़िक है, म्यूज़िक जो है आप अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट करें, आप अपने मोबाइल का म्यूज़िक इससे जो है वो क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, नेक्स्ट सॉन्ग लगाना है, पिछला सॉन्ग लगाना है, या उसको आपने वॉल्यूम तेज़ वगैरह करना है। उसके अलावा यहाँ पे वर्ल्ड की जो टाइमिंग है मुख्तलिफ उसकी वो है,
यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारे मुल्कों के और शहरों के नाम से जो टाइम देख सकते हैं। सेटिंग्स के अंदर जाके हमारे पास कुछ सेटिंग्स अवेलेबल हैं, बैंड का जो डिस्प्ले है उसकी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और ब्राइटनेस चेंज करनी है, स्क्रीन कितने सेकंड के बाद लॉक करनी है वगैरह वगैरह, ये तमाम के तमाम ऑप्शंस आपके पास यहाँ पर अवेलेबल हैं। कुछ यहाँ पे नए फीचर्स ऐड किए उन्होंने, जैसे कि फ्लैश लाइट का है, ये वैसे बचकाना से फीचर है, कोई इतनी ज़्यादा इसकी रोशनी नहीं होती है, पर आप फिर भी ना होने से बेहतर है। कैमरे के अंदर आप अपने मोबाइल का कैमरा इससे कंट्रोल कर सकते हैं, स्टॉप वॉच है, टाइमर है, और कोई अपने फ्रेंड के साथ अपने डिवाइस को कनेक्ट करना है वो वाली ऑप्शन है, और अगर डिवाइस के अंदर से कोई आवाज़ नहीं सुनना चाह रहे हैं आप नोटिफिकेशन वगैरह की, तो बंद कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें इसके अंदर अवेलेबल हैं, और अगर मुझसे पूछें तो ये एक ज़बरदस्त किस्म का बैड है। स्पेशली जो मुझे इसके अंदर फीचर पसंद आया है, एक तो स्लीप वाला आया है, और दूसरा जो आपकी कैलोरीज वगैरह के बारे में काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसके अंदर अवेलेबल है, वो दो चीज़ें मुझे काफ़ी पसंद आई हैं। उसके अलावा ये वाटर प्रूफ है, यानी कि आप इसे पानी के अंदर, यानी कि अपने पानी के अंदर लेके जा सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। बल्कि अगर आप यहाँ पर जाएँ वर्कआउट में, तो यहाँ पे स्विमिंग की ऑप्शन भी है, तो अगर आपने देखना है कि स्विम करते हुए आप कितनी कैलोरीज बर्न कर रहे हैं, तो आप ये पहनकर स्विमिंग भी कर सकते हैं। तो ये थे इसके फीचर्स जो कि काफ़ी ज़बरदस्त हैं। मैं आपको थोड़ा सा बता भी देता हूँ, बल्कि दिखा देता हूँ कि इसका जो है वो मैग्नेट का चार्जर कैसे क्या कैसे लगता है, वो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा है, या शायद मैंने कभी पहले मैग्नेट चार्जर यूज़ नहीं किया है, तो इसलिए मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा है। तो ये इसके पिन है, और आप इसको करीब ही लेकर जाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली टच हो जाएगा, ठीक है, खुद ब खुद टच हो रहा है, तो ये काफ़ी मज़े का है। मुझे एटलीस्ट ये काफ़ी ज़्यादा आई कैचिंग लगा है। उसके अलावा मैंने तो ब्लैक में लिया है ये बैंड, काफ़ी सारे और कलर्स में अवेलेबल भी है, और ये रिमूव भी हो जाता है। अगर आपने इसको चेंज करना है तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से कलर का यूज़ करना चाह रहे हैं। ओवरऑल आई लाइक दिस पैंट। तो ये था मेरे फिटनेस पैंट का रिव्यू। यहाँ पे मैं आपको उसे बताता चलूँ कि आपको ये बैंड लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। मैंने ये इसलिए लिया है क्योंकि मैं जो हूँ काफ़ी हो चुका हूँ मोटा, और मैंने अपने वज़न कम करने के लिए सोचा है कि मैं वॉक करूँगा और रनिंग करूँगा, और मोबाइल के ऊपर जो है वो मेरे ऑलरेडी फिटनेस की ऑप्शंस अवेलेबल थी, लेकिन मोबाइल को पॉकेट में रख कर भागना काफ़ी जो था वो डिफ़िकल्ट हो जाता था, कभी कभी मोबाइल गिर भी जाता था, तो इसलिए उस चीज़ से बचने के लिए मैंने ये बैंड लिया है। तो उसके अलावा पैसे खर्च हो गए तो थोड़ी सी मोटिवेशन भी आ गई है, तो शायद अब वाकई में डेली बेसिस के ऊपर भागने लग जाऊँ, तो मैंने इसलिए लिया है। तो अगर आप भी लेना चाहें तो ज़रूर लें, एक अच्छी प्रोडक्ट है ओवरऑल, इवन फिटनेस के लिहाज से नहीं, वैसे भी अगर आपको अपना स्लीपिंग का पैटर्न चेक करना है कि आप कितनी अच्छी नींद ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, ऑक्सीजन चेक करना है, हार्ट रेट चेक करना है, स्ट्रेस लेवल चेक करना है, उसके लिए भी ये काफ़ी अच्छी जो है वॉच है। दूसरे फीचर जो मैंने यहाँ पे नहीं बताए हैं वो ये हैं कि आप इससे कॉल भी अटेंड कर सकते हैं, ब्लूटूथ कंट्रोल कर सकते हैं, मोबाइल की काफ़ी सारी ऑप्शंस जो है फीचर उसको कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर तमाम के तमाम ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो ये था मेरा पहला रिव्यू किसी भी टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट को लेकर। अगर आपको अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें अगर ऑलरेडी नहीं किया हुआ, और अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक कर लें, ताकि मुझे थोड़ी सी मज़ीद मोटिवेशन मिले और मैं दोबारा से इस चैनल को एक्टिव कर लूँ बहुत सारे नए कंटेंट के साथ। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।